नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शेफ अनीश और मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज बनाएंगे कॉर्न पालक टिक्की। बहुत ही जल्दी बनने वाली और बहुत ही आसान ऐसी ये डिश है। घर में जब भी पार्टी है या कभी भी स्टार्टर बनाना है तो ये डिश को जरूर ट्राई कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो और देखते हैं कैसे बनाते हैं कॉर्न पालक टिक्की। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए तो मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तो आते रहेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पानी गरम करेंगे, उसमें डालेंगे नमक और जैसे ही पानी बॉईल होता है हम लोग उसमें डालेंगे पालक के पत्ते। ये पत्तों को धोया हुआ है अच्छे से और साफ किया है। अब ये पालक को 20 से 30 सेकंड के लिए ब्लांच करेंगे। ज़्यादा ब्लांच मत कीजिए दोस्तों, नहीं तो पत्ते काले गिर जाएंगे। और अब इसको ठंडे पानी में, बर्फ़ वाले पानी में निकाल देंगे। ये इसकी जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुकनी चाहिए दोस्तों पालक की। ये ठंडे पानी में निकाल दिया, उसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे दोस्तों। अब मैंने ये स्वीट कॉर्न लिया है, ये ब्लांच किया हुआ स्वीट कॉर्न है। अब इसको मिक्सर में डालेंगे और घुमाएंगे। थोड़ा सा स्वीट कॉर्न रखेंगे बाद में क्रंची टेक्सचर आने के लिए टिक्की के। ये घुमा के मिक्सर में निकाल दिया अभी। अब ये जो ब्लांच स्पिनाच है उसको हम लोग रफली चॉप करेंगे। और अब ये कॉर्न के मिक्सर में ही ये पालक को हल्का सा घुमा देंगे। देख सकते हैं दोस्तों कि हल्का सा उसको घुमाया, एक या दो बार के लिए, ज़्यादा मत घुमाइए नहीं तो प्यूरी बन जाएगी। अब पालक और कॉर्न को निकाल देंगे एक बाउल में। अच्छे से स्क्वीज करना है दोस्तों, उसका एक्सेस पानी निकाल देना है। अब हम लोग टिक्की का मिक्सर बनाएंगे। एक बाउल लेंगे, बाउल में ये कॉर्न जो हम लोग ने मिक्सर में नहीं डाले हैं वो डालेंगे और पालक और कॉर्न का मिक्स डालेंगे। अब डालेंगे बॉईल किया हुआ आलू जिसको मैंने ग्रेट किया हुआ है। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसको। फिर डालेंगे अदरक लहसुन जो चॉप किया हुआ है, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, आप चाट मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डालेंगे चिली फ्लेक्स, आप ग्रीन चिली भी यूज़ कर सकते हैं। नमक, थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स डालेंगे और थोड़ा सा राइस फ्लावर। ये राइस फ्लावर और ब्रेड क्रम्स बाइंडिंग के लिए काम आएगा दोस्तों। आप ये मिक्सर में चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोसेस चीज़ ग्रेट करके भी आप डाल सकते हैं। अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और आपका टिक्की का डो रेडी हो गया। अब ये डो को हम लोग उसकी टिक्की बनाएंगे। हाथ में ऑयल लगा के एक मीडियम साइज का पेड़ा लेंगे डो का और अच्छे से राउंड करके उसकी टिक्की बनाएंगे। ऐसे ही करके वन बाय वन सब डो की टिक्की बना लेंगे। अब इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए पैन को गरम करेंगे और पैन में डालेंगे ऑयल। जैसे ही ऑयल गरम होता है हम लोग वन बाय वन ये टिक्की को शैलो फ्राई करेंगे। एक से दो मिनट के लिए दोनों साइड से ये टिक्की को अच्छे से फ्राई कर लेना है दोस्तों। एक दो मिनट हो जाएंगे तो आपको टर्न करना है ये टिक्की को और दूसरे साइड से भी वैसे ही उसको कुक करना है। आपका ऑयल मीडियम से हाई हीट पे गरम होना चाहिए दोस्तों, ज़्यादा गरम मत रखिए नहीं तो टिक्की जल जाएगी। ऐसे उसको टर्न करेंगे और फिर से एक से दो मिनट के लिए उसको अच्छे से कुक कर लेंगे टिक्की को। जैसे ही एक दो मिनट हो जाते हैं दोनों साइड से, आप ये कलर देख सकते हैं दोस्तों, गोल्डन ब्राउन कलर आ जाता है टिक्की को, तो आपकी टिक्की कुक हो गई है। फिर वन बाय वन करके आप किचन टॉवल पे यानी कि पेपर टॉवल पे उसको निकाल सकते हैं दोस्तों। ऐसे ही करके सब टिक्की को फ्राई कर लीजिए और आपके मनपसंद डिप के साथ उसको सर्व कर लीजिए। ये देखिए हमारी कॉर्न पालक टिक्की रेडी हो गई।
बहुत ही सिंपल और बहुत ही जल्दी बनने वाला ये स्टार्टर आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए आपको कैसा लगा। मैंने इसको शेजवान मेयो के साथ सर्व किया है, आप कोई भी डिप के साथ इसको सर्व कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय एंड डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।